अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं ब्लॉग की शुरुआत वहीं से कर रही हूँ जहाँ से मैंने ब्लॉग का एंड किया। देखो लो क्या कर रहा है रोहा का। देखो तुम्हारा कितना बाबू, ये लस्सी है। ये मुख्तार देखो कितनी प्यारी बॉल है, क्या है टेनिस बॉल। इसमें से निकाल के दिखाना मम्मा। और... देखो बिल्कुल रियल लग रही टेनिस वाली। ये लेके आई मैं अपने लिए एलोवेरा जेल ओलिविया का मिल गया था, ये ले लिया क्योंकि जो डॉक्टर अंकल है ना उनके सामने ही दुकान है इन चीज़ों की, तो वहाँ से ये ले लिया। ब्रेड वगैरह ये थोड़ा सा वैसे ही सामान है कुछ, टेनिस बॉल। जोहा के लिए पास्ता लिया और पनीर स्क्रब वगैरह ये। तो चलिए मैं पी लेती हूँ लस्सी। कोलेस्ट्रॉल तो मेरा अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो डॉक्टर अंकल ने मेरा एक रात का खाने का गोल्ड कोई कैप्सूल है वो चलाया है, मतलब 24 घंटे में एक बार खाने का एक कैप्सूल है वो दिया है। और खाने में परहेज़ उन्होंने सिर्फ ऑयली चीज़ों का परहेज़ बताया, नहीं तो और किसी चीज़ गोश्त वगैरह भी अवॉइड करने को कहा कि थोड़ा बहुत ले सकते हो लेकिन तली हुई चीज़ें बिल्कुल बंद करनी है। और पानी वगैरह ज़्यादा पीना है, एक्सरसाइज ज़्यादा बताया, दही वगैरह किसी चीज़ की, फ्रूट्स वगैरह किसी चीज़ की कोई पाबंदी नहीं है। मतलब डाइट अच्छी खासी अपनी अपनी अच्छी डाइट रखनी है, मतलब हेल्दी डाइट। मुझे मालूम ही था कि डॉक्टर अंकल के यहाँ ज़्यादा टाइम लग जाएगा और राजू को कुछ बाजार में भी अपना काम था, इन्होंने वो काम भी किया, तो इसलिए मैं आते हुए पनीर लेती आई थी क्योंकि पनीर बहुत जल्दी बन जाता है। तो फिर मैंने घर आके पनीर दो प्याज़ा बना लिया था, खाना वाना हमारा बन चुका है। गाइस मेरी मम्मा आज बनाएंगी क्या मम्मा? चौलाई के लड्डू हैं, पता नहीं लड्डू वाली हैं वैसी हैं, देखो इसके ऊपर आ तो रही है। हाँ मम्मा वही तो है, दो लड्डू। बहुत बड़ा पेड़ हो रहा था, एक ही पेड़ है जो मैं लेके आई उसमें है ना किस में, तो जो मैं तोड़ के लेके आई। और जब आज मैंने पनीर बना रखा लेकिन मैंने सोचा चलो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद। ये मार्केट में ना सना बता रही थी जब इसका सीज़न होता है उस टाइम पे भी ये 80-90 रुपए किलो मिलते हैं और हमारे यहाँ ये ऐसे मिल गए। तो इसका ये कितना बड़ा पेड़ हो रहा था देखो, तो मैंने पेड़ की जड़ वगैरह तोड़ दी, बस ये ऊपर ऊपर से ऐसे डंडिए तोड़ ली और इनके पत्ते ऐसे कर करके। हेलो गाइस, मुख्तार भी करा रहा है क्योंकि मैं से हूँ नहीं रहा चुभ रहा। बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मम्मा जब आपने पनीर बनाया क्या बना रही हो? नहीं ये अच्छी लगती है, पापा भी कह रहे थे पेड़ देख के, कहने लगे भाई बना लो बहुत अच्छी लगती है ना, तो इसलिए मैं खाने वाने से तो पानी हो गया, खाना खा लिया। और पनीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था आज, मैंने बहुत ही अनसठ तरीके से बनाया। जिस दिन भी मैं मन से नहीं खाना बनाती अनसठ तरीके से बना, उसी दिन बहुत टेस्टी बन जाएगी। मैं सोचती रहूँ क्या रेसिपी थी, क्या बनाया था मैंने, क्या डाला था पहले, फिर मैं सोचती रह जाऊँ। मुख्तार आप गलत कर रहे हैं, ऐसे उल्टा। हमारी चौलाई तो हो गई है, हमारी चौलाई साफ, बड़े पत्ते थे ना ये, अब मैं इसको भिगो के रख दूंगी, थोड़ी देर में बनाऊंगी। अभी नमाज पढ़ूंगी, नमाज नहीं पढ़ी ना। और ये जो है ना ये इस तरीके है, वैसे तो कोई खाने वगैरह में इसका टेस्ट बुरा नहीं होता लेकिन जब मैं पानी में भिगो दूंगी ना तो ये ऑलरेडी ऊपर आके निकल जाएंगे। जी बेटा, क्योंकि मुख्तार ने भी तो साफ़ कराई ना मेरे साथ, ये रुक जाइए एक मिनट। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, फ़ायदेमंद। हाँ जी बोलो। हेलो गाइस, आप सबको शायद हमारा चैनल अच्छा लगा होगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अब ये कूड़ी कौन उठाएगा, ये कूड़ा जो इतना हो गया, आपने पत्ते तो साफ करा दिए, मेरे साथ साफ कराना। अब चलो ये देखो कितना इसका नीचे नीचे ये चौलाई सी कितनी हो गई इसकी, इतनी इसके। चलो मैं करूँगी, रुक जाइए आप। इसकी तो मैंने भिगो दी थी अच्छे तरह, मैं सोच रही कि इसको ना एक बार बॉइल पानी में को निकाल लूँ, कभी इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ हो ताकि वो मर जाए। वैसे इसमें गंदगी तो कुछ है नहीं, रेत वेत तो है नहीं क्योंकि ऊंचा पेड़ था ना, छोटे छोटे पेड़ हों तो कुछ हो भी जाए। चलो इसको वॉश करके बना लूँ, असर की नमाज़ पढ़ूँगी और उसके पहले इसे चढ़ा दूँ, हो तो जाएगी बहुत थोड़ी सी। ऐसे
आना शुरू करते हैं। तो ऑयल को गर्म करने के बाद एक बड़ा प्याज और एक लहसुन को बारीक बारीक कट कर लिया था मैंने, दो तीन हरी मिर्चे, दो तीन लाल मिर्च को, इसको अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद जब ये गोल्डन सा हो जाएगा ना, तो उसके बाद इसके अंदर नमक मिर्च डाल देंगे। नमक मिर्च डालने के बाद जो चौलाई है ना, उसको मैंने कटनी की थी, क्योंकि पत्ते अपने आप ही भाप लगने के बाद बिल्कुल भुजिया जैसे मैश हो जाएंगे अपने आप ही, तो पत्तों को वॉश कर लिया था मैंने अच्छे से। और ये जो इसके अंदर ये चौलाई के बीज होते हैं ना, वैसे तो ये खाने में बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन ज़्यादा जो थे ना, थोड़े से तो मैंने इसमें छोड़ दिए थे, जो रह गए थे वो रहने दिए थे। और अच्छे भी लग रहे थे, हल्के हल्के ना कुछ तिल जैसे मुँह में आते हुए अच्छे भी लग रहे थे। तो खैर इसको इसके अंदर डाल देंगे। और अब ये इतनी सारी ये भी बच गई, ये कढ़ाई में आने रही थोड़ी सी, जब ये भाप में नीचे दब जाएगी ना, उसके बाद मैं ये वाली भी डाल दूँगी। देखिए कि कितनी सारा पूरा भगोना भर के था, और मैंने दूसरी वाली भी इसके अंदर डाल दी थी, और ये भुजक के कितनी जरा सी हो गई, और भुनते भुनते और थोड़ी हो जाएगी। क्या शुगर हो गया भाई, अच्छा शुगर हो गया, क्या शुगर हो गया, चूहों के जाने से इतनी आसानी हो गई कि आटा ऐसे कैसे लगा। रात का टाइम हो रहा, मक्खी देखो कितनी हो रही भाई, ये क्या टपका, क्या, क्या? अच्छा हाँ भुजिया अभी भी अधूरी रखी, क्योंकि मैंने छोले उबलने के लिए रख दिए थे। ये देखिए थोड़े से उबाले मैंने, ये क्या ऊपर निकले हैं, उबले के नहीं, ये मसाला बन चुका है। और मुख्तार का पास्ता बन रहा, पास्ता लेके आई थी ना मैं इनके लिए, जहाँ से पनीर लाया था ना उनके यहाँ, पास्ता है जो भी कुछ है, क्या है, सॉस पास्ता ही तो। चलो भैया फिल्मों पे ध्यान दिया करते, अब बहुत ही टेस्टी, कोई इसका नजर ना दिखाओ। मैं तो ये सोच रही थी, मैंने कहा अच्छा लगी, चलो ये मैंने कहा मैक्रोनी को उबालने में थोड़ी दिक्कत सी हो, जल्दी उबल जाएगा। इतना अच्छा लगी देखने में, क्या हुआ कहीं से कहीं तक भी, और बॉईल होते होते या तो हमने बॉईल ज्यादा कर लिया इसको, बहुत कम बॉईल। इसमें वैसे टमाटो डाल दिया मैंने, इसमें जरूरत नहीं है सॉस के मुख्तार, बहुत बहुत कम डालना, बहुत कम, हल्का से डेकोरेट करना, बस हल्का हल्का कहीं कहीं को भाई। हेलो गाइस कर दीजिए मुतारी, हेलो गाइस, बस चलो खा लो गाइस, बिल्कुल बोलो बोलो। मैक्रोनी को भी फेल कर दिया इसने, है तो मैक्रोनी जैसा ही, बस मैं मन भर गया था मैक्रोनी से। गाइस बन चुकी है मेरी भुजिया, इसकी रंगत बड़ी काली सी हो जाए, अब पापा ने मुझे धोखा दे दिया, कहने लगे हाँ हाँ भाई बना लियो मैं खाऊंगा। और देखो कितनी सारी थी, पूरा कढ़ाई भर गई थी, ये वाली छलनी भर गई थी, बड़ा वाला जो भगोना है वो करके मैंने बनाई थी। तो चलिए तो हो गई है बन के तैयार मेरी, मम्मा पनीर होते हुए भी वो खानी। तो ये रहा हमारा खाना, पनीर देखो कितना डिलीशियस लग रहा है। और ये रही मेरी उसकी भुजिया है, मैं रख लूँगी। और ये रही मेरी उसकी भुजिया चौलाई की, चौलाई के पत्ते सब जानी है इसको, बहुत महंगी बिक रही है आजकल ये। और ये देखिए पनीर कितना, मलाई पनीर बनाया मैंने, मलाई पनीर दो प्याज़ा। और ये इस ब्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ, राजू जैसे कि अभी तक आए नहीं, 10:46 हो गए अभी तक नहीं आए वो, और कह रहे हैं अभी 1.5 घंटा और लगेगा। हम रात का खाना उनके बगैर नहीं खाते, क्योंकि दिन में तो हम खाते खा ही नहीं उनके बगैर, तो खैर मुख्तार को नहीं बताते, कभी वो सुन ले। तो इंशाल्लाह आपसे होगी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये चौलाई अगर आपको कहीं से मिले तो ज़रूर बनाना, बहुत ज़्यादा लजीज़ बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।